साल 1980 में एक बार फिर से इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन चुकी थी और इसी के साथ देश की एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के कहूटा स्थित एटॉमिक प्लांट को एलिमिनेट करना एक प्रायोरिटी बन जाता है। जर्नलिस्ट एड्रियन लेवी और कैथरीन स्कॉट अपनी बुक डिसेप्शन में बताते हैं, भारत मोरारजी देसाई के कारण 3 साल लंबा समय गवा चुका था और अब पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब था। भारत अब और ज्यादा देरी नहीं चाहता था। मई 1983 में भारत के 2 मिलिट्री ऑफिसर्स इसराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचते हैं। उनके पास प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा साइंड पेपर्स थे जिसमें इसराइल को परमिशन दी गई थी भारत के एयरबेस को इस्तेमाल कर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट को एयर स्ट्राइक से एलिमिनेट करने की। लेकिन इस समय तक स्थिति बदल चुकी थी। पाकिस्तान के पास अब F-16 जहाज थे और वो अपने न्यूक्लियर डिवाइस का कोल्ड टेस्ट कर चुका था, जिस कारण से अब वो भारत से नेगोशिएट करने में सक्षम था। भारत को अपने इस प्लान से पीछे हटना पड़ता है और इस तरह फाइनली 1988 में पाकिस्तान एक ऑफिशियल न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट बन जाता है, जो कि न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का कारण है।